इस समय हम नीमच कृषि उपज मंडी की लहसुन मंडी में मौजूद हूँ और आज जो है लहसुन की आवक कल की अपेक्षा ज़्यादा हुई है। कल करीब 12,000 क्विंटल के आसपास थी और आज 15,000 करीब लग रही है, क्योंकि कुछ जो ट्रैक्टर्स हैं वो बाहर भी खड़े हुए हैं, कुछ वाहन बाहर खड़े हैं। कल की अपेक्षा कुछ बाहर से किसान भी ज़्यादा आए हैं, पर आज एक चीज़ अलग है कि जो दाम है देसी लहसुन के वो कम तो नहीं हुए हैं, लेकिन जो ऊटी लहसुन है उसके दामों में थोड़ी सी कमी दिख रही है। जो ऊटी है अभी तक का मार्केट ये है कि 12,000 के करीब ऊटी अधिकतम गई है और न्यूनतम की बात करें तो 6,000 के करीब है। वहीं देसी लहसुन की बात करें तो देसी लहसुन आज 4,000 से लेके 10,500 तक गई है, जो कि कल के दाम के कंपैरिजन में लगभग बराबर थी। तो भाव जो है वो कुछ ऊटी में कम हुए हैं, लेकिन जो देसी के दाम है वो काफ़ी ठीक है। कुछ किसान हैं अपनी लहसुन लेके आए हैं, कौन सी लहसुन है, क्या है, क्या अपेक्षा है उनकी? भैया कहाँ से आए हो? बेगू। बेगू से? कौन सी लहसुन है? ऊटी। ऊटी आज थोड़ा हल्का लग रहा है, तो क्या उम्मीद है अपने को? 12 तक तो बिक जाएगा, 12 तक बिक जाएगी है ना? तो बस वो आज 12 तक का ही भाव चल रहा है, और भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि 12 नीलामी होते जाते, कोई अच्छी चीज दिख जाती तो अच्छे भाव मिल जाते, लेकिन जो औसत भाव की बात कर रहे हैं वो इस तरह का है। आज थोड़ा सा कल से ज्यादा माल की आवक भी हो गई है, कल से ज्यादा है। पर अब जो पहले आवक हो रही थी उससे कम में कारण क्या हो सकता है? अब खत्म भी हो रहा है धीरे धीरे, माल खत्म हो रहा है कि रोक रहे हैं माल? नहीं नहीं, खत्म हो रहे हैं, रोक रहे हैं। जैसे किसी को ऊटी वाले तो खत्म ही हो रहे हैं, जिसको जिसको हाँ ऊटी का तो निकालना ही पड़ेगा, लेकिन जिसका देसी है देसी तो हमारे यहाँ तो है ही नहीं था। पहले एक डेढ़ महीने पहले जिनने जो भाव देख लिया उनका फिर दिमाग खराब हो जाता ना, बोले यार अभी इतने कम में कैसे क्या बेचे। लेकिन थोड़ा लेट पके, लेट पके हैं आप साथ में? कितने बीघे की बोई आपने? 6 बीघे की। 6 बीघे की, तो 6 बीघे में लहसुन पूरी हुई? कैसी हुई? अच्छी हुई। अच्छी हुई। कितना क्या खर्चा बैठी है वो 6 बीघे में? खर्चा तो लमसम देख लो 1 बीघे में 1,00,000 रुपए। और कितनी बैठी है? ये 30 क्विंटल। तो कितना क्या प्रॉफिट हो जाएगा इस बार, दाम अच्छे है तो? देख लो आप, 2-3 लाख का तो हो ही जाएगा। पिछले साल से डबल हो जाएगा। पिछला पिछले साल कैसा रहा था? पिछले साल तो पिछले साल 1.5 लाख रुपए आ रहे थे बीघे के, अब ज्यादा आ रहे हैं। इस साल 3-3.5 लाख आ रहे हैं, तो 1-2 लाख बेनिफिट रहेगा। आप कहाँ से? मंडावरी से। साथ में आप भी लेके आए? कितनी लेके आए? 30-35 क्विंटल लेके आए। तो कुल मिला के जो दाम है वो कुल आज थोड़े से देसी के ठीक है, और उनके ऊटी का मकान से आए हुए अनोपुरा काका जी का। ये कहाँ है? बेगू के पास। अच्छा, सब बेगू क्षेत्र के हैं। क्या लहसुन कौन सी, देसी की ऊटी? ऊटी बेस्ट। ऊटी बेस्ट लाए, क्या उम्मीद है कितने तक चला जाएगा? 11-12। बहुत अच्छा, 12 आज लगभग उतना ही चल रहा है। 12,000 बिक गई। बिक गई आपकी? उनकी 12,000 बताई। तो खुश है मतलब? अब वो पैसों का क्या करना है? लेना है बोले नो? नहीं नहीं, खेत को सुधारना है अभी तो। अच्छा, किसी की देनदारी है क्या? किसी को देना है सोसाइटी वगैरह मजदूरों के? हाँ, अभी मिट्टी का काम चल रहा है, खेत में मिट्टी डाल रहे हैं, तो उनको भी देना है, बाकी बीज वगैरह। गाड़ी है अपने तो? गाड़ी है कौन सी? बोलेरो। अभी महीने भर हुआ। कब ली? महीना भर हुआ। हाँ, फिर तो नहीं बदलेंगे, लहसुन के भरोसे ले ली थी। ये भी बहुत खुशी की बात है कि लहसुन ने कम से कम कुछ जीवन में परिवर्तन लाया है, आर्थिक रूप से कुछ किसान सक्षम हुए हैं जिन्होंने लहसुन बोई। जिन्होंने नहीं बोई वो सोच रहे हैं कि यार काश हम भी बो देते। विजित राव महाडिक, मार्केट टाइम्स, नीमच।